नई गाड़ी से घूमने गए तीन दोस्तों में से एक की दर्दनाक मौत। गाड़ी अनियंत्रित हुई या किसी वाहन ने मारी टक्कर, जांच में जुटी पुलिस। तीन पलटे खाकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी गाड़ी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के रिंग रोड पर बसीड़ी और सरमथुरा के बीच लिंक सड़क पर हादसा हुआ है। शुक्रवार को दिन में करीब 4 बजे हुई घटना में एक टीवी महिंद्रा गाड़ी अचानक से सड़क से तीन पलटी खाती हुए खाई में जा गिरी। दुर्घटना में गाड़ी चला रहे युवक की मौत हुई है, वहीं उसके दो दोस्त घायल हुए हैं। घटना के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों की सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस 1033 से सभी को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से दोनों घायलों को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। वहीं मृतक के सबको मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला निवासी तीन दोस्त शुक्रवार को टीवी महिंद्रा गाड़ी से घूमने गए थे। बताया जा रहा है कि शराब ठेके पर काम करने वाला अमित बीजल पुत्र महेश बीजल नई गाड़ी खरीद कर लाया था। ऐसे में वे अपने दोस्त वार्ड 37 के पार्षद प्रतिनिधि तेजेंद्र पुत्र रामहित जाटव और रामवीर पुत्र राम प्रसाद जाटव को लेकर घूमने गया था। घूमने के बाद जब वे सरमथुरा रोड से बसीड़ी रोड को कनेक्ट करने वाले रिंग रोड पर आए तो नहर के पास अचानक से गाड़ी में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी या गाड़ी अनियंत्रित हुई, स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन तीन पलटी खाते हुए खाई में जा गिरी। दुर्घटना के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 1033 से तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने अमित बीजल पुत्र महेश बीजल को मृत घोषित कर दिया। घटना में घायल तेजेंद्र और रामवीर की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद समाज सेवी राम सेवक अजर ने बताया कि दुर्घटना के वक्त वे हाईवे पर ही थे। जैसे ही सूचना मिली वे मौके पर पहुंचे तो गाड़ी में खाई में उल्टी पड़ी मिली। ऐसे में लोगों के सहयोग से घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की मौत हुई है, दो लोग घायल हैं।